I I I I I okay. so, होंगे बहुत, बहुत ही मजे से होंगे और अभी तो आप लोग पार्टी मना रहे होंगे सी एस टी पास करने की खुशी में बट अब पार्टी मनाना बंद कर दो बिकॉज एग्जीक्यूटिव की तैयारी अब चालू हो गई है एंड जोर शोर से हम करेंगे अब हमारे जून अटेम्प की तैयारी राइट ओके okay. सो so, uh, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को बुला लीजिए आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो क्लास अटेंड वाले थे सबको लिंक भेज दीजिए बता दीजिए हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है सो दैट एवरी एवरीबडी कैन ज्वाइन हाय तनु गुड इवनिंग ओके नाउ आई एम ऑडिबल Okay, so first of all, let me introduce myself. Hello, everybody. I am CS Shikha Agrawal, and you are watching Edumension. Right, so first of all, I want to tell you some of you uh, might know me, and some of you might not.

cs firm of all over india which is vinod Kudhari and company and since then i'm teaching uh, i'm teaching since like last uh, three years of so this was all about my introduction so uh, basically first i want to tell you अबाउट दिस कोर्स दैट वॉट आई एम गोइंग टू ऑफर यू ऑल इन दिस का स्ट्रक्चर होने वाला है आप लोगों को क्या क्या benefits मिलने वाला है एवरीके बाद इंट्रोड्यूस यू विद्जेक्ट विच इज कमनीसिकली एस का प्यार ओके okay. ठीक है तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताने वाली हूँ इस कोर्स के बारे में जो मेरा कमनी लॉ का सेशन है आई टेक ऑल दॉपिक्स इन वेरी डिटेल हम बहुत ही कंसेप्चुअली हर टॉपिक को समझ करके चलते हैं लॉ को समझते हैं ये क्यों आया उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा एवरी थिंग सो बेसिकली इन अराउंड टू हंड्रेड डेली वी विलेक इनिशियली स्टार्ट विद पॉइंट फाइव आवर्स एंड धीरे धीरे एज यू गेट कंफर्टेबल योर कोर्स विल गेट कम्पलीटेड इन अप्रोक्स फोर मंथ

डोंट वरी यू विल गेट बैकअप यूट रिकॉर्डेड लेक्चर यू कैन वॉच इंबर डेली माई टीचिंग वे इज दैट आज हमने जो पढ़ा कल हम उसको रिवाइज करेंगे एंड देन हम फ्रेश पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो डेली हमारा प्रॉपर रिविजन होता है एंड आई टेक रिटर्न टेस्ट आफ्टर ईच चैप्टर तो जैसे आपका चैप्टर वन कंप्लीट हुआ आफ्टर कंप्लीशन कंप्लीस चैप्टर वन

लॉ तो एक्सपर्टाइज हो ही जाएगा लॉ तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा दिल दिमाग सब जगह बैठ जाएगा ये मेरी गारंटी है ठीक है उसके बाद आप लोग का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा अगर आप क्लास लेते हैं तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए बस आप लोगों की तरफ से मुझे एक कमिटमेंट चाहिए क्या कमिटमेंट चाहिए मुझे आप लोगों की तरफ से ये चार चीजें चाहिए क्या कि डेली आप रिवीजन करके आएंगे मैं डेली जो डेढ़ घंटे में आपको पढ़ाऊंगी वो हार्डली आधे घंटे में आप रिवाइज कर लेंगे रिविजन में उतना टाइम नहीं लगता है जितना फर्स्ट टाइम टाइम लगता है डेली आप रिविजन करके आएंगे डेली सेल्फ स्टडी करके आएंगे सेकंड थिंग रटंत विद्या भूलंत विद्या कुछ भी चीज रटना नहीं है आपको दिस इज लॉ बहुत लोग बोलते हैं लॉ तो रटना पड़ता है बिल्कुल नहीं आपको लॉ समझना पड़ता है कि ये लॉ आया तो आया क्यों और इस लॉ का इंप्लीकेशन क्या होगा सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज डोंट मेमोराइज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग की इस लॉ के पीछे का लॉजिक क्या है थर्डली आज डाउट्स मुझे वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जो बार बार डाउट्स पूछते हैं डाउट्स डाउट्स पूछो भैया सिली सिली से सिली होगा आई विल क्लियर योर डाउट्स बट नेवर बी अशेम्ड कि यार इतना इजी डाउट है मैम क्या सोचेगी मेरे बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा डाउट्स पूछो भले सिली डाउट होगा जितना डाउट्स होगा पूछो आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स उसके बाद जो मैं टेस्ट लूंगी मैं हर चैप्टर के बाद टेस्ट लेंगे खुद पर्सनली इवैल्यूएट करेंगे आप लोगों के टेस्ट पेपर्स आप लोगों को सिंसियरली प्रिपेयर करके टेस्ट देना है ये नहीं कि अरे कोई देखने वाला तो है नहीं गूगल करके बुक से देख देख के छाप देते हैं ये नहीं चलेगा आप लोगों को सिंसियर प्रिपेयर करना टेस्ट के लिए बस इतना काम करो बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो आई गारंटी यू 100% रिजल्ट इफ यू फॉलो दिस फोर थिंग्स ठीक है तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ एंड रहने है हूं हमारा मिशन ये है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हम कंपनी लॉ में पूरा पेपर लिख के ही नहीं आ पाते हैं हमारा मिशन है अटेम्प्ट हंड्रेड परसेंट एंड स्कोर एटी प्लस इन कंपनी लॉ लॉ इज अ थ्योरी सब्जेक्ट थोड़े बहुत मार्क्स कटते ही बट हाँ 75 प्लस 80 प्लस हमें लाना ही यानी और हम 100 का कर टारगेट करेंगे हम 100 का कर टारगेट करेंगे तब जाके हमारा 80 प्लस आएगा सो हाउ हाउ इज इज जोश जोश ऑफ एवरीबडी शैल वी स्टार्ट अवर टूडे लेक्चर हाउ इज जोश जस्ट लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स प्रेरणा सिंह फुल जोश मैम ठीक है आकाश पूछ मैम बेरेक्ट क्या होता है आएंगे आकाश बेरेक्ट आएंगे ठीक है ओके okay. मुस्कानी सिंह हाई जोश मैम रिकी सिंह हाई ओके ओके ग्रेट ओके एवरीबडी इज रेडी टू स्टार्ट लेट मी टेल यू अबाउट बुक्स बहुत सारे बच्चे बुक्स के बारे में पूछ रहे थे तो इफ आई टेल यू अबाउट बुक्स मैं आप लोग को दो बुक प्रोवाइड करूंगी विच विल बी वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू ये आपकी रेगुलर बुक्स रहेंगी इसके अलावा आई विल प्रोवाइड यू हैंड हैंड रिटन रिटन नोट्स नोट्स जो इस तरह से मेरे हाथ के बनाए हुए प्यारे प्यारे नोट्स होंगे बहुत ही चार्ट्स के फॉर्म में और अच्छे अच्छे इंटरेक्टिव फॉर्म में तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं जो बहुत बच्चों को नॉर्मली बहुत ज्यादा पसंद आते हैं तो रेगुलर बुक रहेंगे आप लोगों के उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स रहेंगे उसके अलावा आप लोग का एक क्वेश्चन बुक टाइप का रहेगा जिसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे केस लॉज वाले क्वेश्चन रहेंगे कि किस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं एंड उसके अलावा बीच बीच में आई विल प्रोवाइड यू विथ स्मॉल एन स्मॉल लिस्ट फॉर्म्स की लिस्ट पेनाल्टीज की लिस्ट एवरीथिंग तो प्रॉपर uh, आपको बुक्स मिल जाएंगी एंड रिगार्डिंग बुक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी नॉर्मली आई प्रोवाइड विथ हार्ड कॉपी सॉरी नॉर्मली आई प्रोवाइड विथ सॉफ्ट कॉपी बट अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो हार्ड कॉपी का जो प्रिंटिंग uh, और प्रिंटिंग uh, और पोस्टिंग चार्जेस होता है वो दो सौ तीन सौ रुपये जो भी होता है वो एड होगा एंड यू कैन गेट हार्ड कॉपी ऑल्सो इफ यू वॉन्ट आप जो चाहें आप चाहें तो हार्ड कॉपी ले लो आप चाहो तो सॉफ्ट कॉपी ले लो इट्स अपॉन यू ओके अवंतिकाई सेंग ये ओके ग्रेट जस्ट अट आई एम कमिंग बैक

हमें शेयर इश्यू करना है, है बताइए क्या कंप्लाइंस लगेंगे हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते क्या क्या अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे आप जो होते हैं वो एडवाइस करते हैं लाइक रिलायंस का डायरेक्टर कौन है मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी को जब रिलायंस के लिए कोई डिसीजन लेना रहता है तो ही टेक्स एडवाइस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रिलायंस एंड हु इज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रिलायंस सावित्री पारेख मैम ठीक है तो सावित्री पारेख शी इज द लेडी हु हुई मुकेश अंबानी सो so, इतना बड़ा रोल होता है कंपनी सेक्रेटरी का दैट यू आर द वन हु एडवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग कंप्लायंसेस रिगार्डिंग लॉ Of जब आप रिलायंस में, में जॉब कर रहे हैं तो कंपनी के डायरेक्टर्स पूरा आपके छोड़ देंगे सर यू आर कंप्लायंस एंड आप उस कंपनी का कंप्लायंस करेंगे कैसे अगर आपको कंपनी लॉ की प्रॉपर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो करोगे ना अदरवाइज कैसे करोगे सो यू आर द्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी यू एडवाइजेस बोर्ड

टॉप मोस्ट पोजीशन जिसकी होती है कंपनी में जैसे सीईओ सीएफओ जैसा सीईओ सीएफओ का पोजीशन होता है जैसा उनका दर्जा होता है वही सेम दर्जा होता है कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी सेक्रेटरी डज ऑल द सेक्रेटेरियल वर्क्स सेक्रेटेरियल वर्क्स जैसे जो भी फॉर्म फाइलिंग्स वगैरह होता है जैसे आपने पढ़ा है कि अच्छा अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो आईएनसी 22 ट्वेंटी टू फाइल करना पड़ेगा तो आईएनसी ट्वेंटी टू जो फॉर्म फाइलिंग्स वगैरह वर्क होता है ये कौन करता है सेक्रेटेरियल वर्क्स कंपनी सेक्रेटरी करता है कंपनी सेक्रेटरी इज नोन टू प्रमोट कॉर्पोरेट गवर्नेंस याद है आपने सीएसई टी में पढ़ा होगा हमारे आईसीएसआई का मोटो क्या है हमारे आईसीएसआई का विजन क्या है विजन और मिशन स्टेटमेंट टू प्रमोट कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो हमारा आईसीएसआई जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस लॉ को सिर्फ कंप्लाई नहीं करना लॉ को ट्रू एंड लेटर स्पिरिट में कंप्लाई करना ताकि सारे ही स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट प्रमोट हो किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो सो अ कंपनी सेक्रेटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी सेक्रेटरी रिप्रेजेंट्स कंपनी बहुत सारी अथॉरिटीज के सामने जब एक कंपनी को रिप्रेजेंट करना रहता है जैसे एनसीएलटी एनसीएल अब ये सब क्या होता है एक ब्रीफ आपको होगा बट हां हम डिटेल में सारा चीज पढ़ेंगे कि क्या होता है दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर सो कंपनी सेक्रेटरी रिप्रेजेंट हिज कंपनी सिर्फ एजुकेशनली नहीं एकेडमिक वे में नहीं प्रैक्टिकली जब आप आगे जाके चाहे आप जॉब करें चाहे आप प्रैक्टिस करें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखने वाला है कंपनी लॉ आई वु सजेस्ट कि जो बच्चा रटने आया है वो कृपया क्लास ही मत देखो वो किसी की क्लास ही मत लो वो खुद अपना मॉड्यूल से पढ़ के पढ़ के रट लो लेकिन ये क्लास क्लासेस आप तब लेते हैं जब आपको किसी चीज की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग किसी चीज का लॉजिक लौ, समझना होता है ठीक है तो आई वुड से कंपनी लॉ को अच्छे से समझ समझ के पढ़े स्टार्टिंग से एक अच्छा माइंड रखो ताकि हमारा फ्लो बढ़िया से चले और एक फ्लो जब अच्छे से चलेगा तो हमारी जब क्लास कंप्लीट होगी ना तो यू विल फाइंड डिफरेंस इन योर एजुकेशन इन योर पर्सनैलिटी की आप कहाँ से कहां

ओके पूछे मैम क्लास डेली चलेगी क्या डेली हाँ, चलेगी बस संडे को नहीं रहेगी संडे दे विल बी नो क्लास संडे हो सकता है मैं आप लोगों का टेस्ट रख दू जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसका जो भी नेक्स्ट संडे आएगा वो संडे में आप लोगों का टेस्ट लूंगी प्रॉपर रिटर्न टेस्ट ठीक है ओके okay, चलिए अब हम क्विक से सिलेबस देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का मैम हम मोड्यूल से पढ़ेंगे कि अलग से पढ़ेंगे कि कैसे देखो आई विल प्रोवाइड यू विथ माई नोट्स जिसमें पूरा मॉड्यूल का कवरेज रहेगा कुछ भी छूटा हुआ नहीं रहेगा सो बेसिकली मॉड्यूल 100 परसेंट कवर्ड रहेगा प्लस आप लोगों को रिवीजन करने के लिए इस तरह के कुछ हैंड रिटर्न शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे तो नोट्स का नोट्स uh, आप लोगों को बहुत प्यारे और बहुत अच्छे मिल जाएंगे जिससे आपको प्रॉपर पढ़ाई अच्छे से हो जाएगा तो नोट्स की बिल्कुल चिंता मत करें मॉड्यूल जो है हम पूरा कवर करते हुए चलेंगे प्रॉपर जितनी अच्छे से पढ़ाई होगी उतनी अच्छे से करेंगे मॉड्यूल आपका पूरा कवर हो जाएगा चलिए अब कंपनी लॉ स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे सिलेबस देखेंगे हमारा कंपनी लॉ का तो अगर आप अपना कंपनी लॉ का सिलेबस देखेंगे तो देर आर थ्री पार्ट द होल कंपनी लॉ द होल कंपनी लॉ सी एस एग्जीक्यूटिव इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट पार्ट वन विच इज बेसिक्स इसमें कुछ अप्रोक्स फोर्टीन चैप्टर्स हैं जो कि फिफ्टी मार्क्स के हैं ओके सी दिस इज पार्ट वन

पार्ट वन में मॉड्यूल के फोर्टीन चैप्टर्स हैं ठीक है एंड उसके जो है, जो बाद जो पार्ट सी है इट इज अबाउट योर सीएस प्रोफेशन जो बेसिकली सीएस एक्ट की बात करता है ठीक है सो दिस कंसिस्ट ऑफ टेन मार्क्स ये है आपका पूरा कोर्स आपका जो कंपनी लॉ का पेपर होता है वो होता है हंड्रेड मार्क्स का और हंड्रेड मार्क्स में से पार्ट वन होता है फिफ्टी मार्क्स का पार्ट टू होता है फोर्टी मार्क्स एंड पार्ट थ्री होता है टेन मार्क्स का ये जो टेन मार्क्स है और इसमें बस छह चैप्टर वो भी चालीस मार्क्स के तो बस छह चैप्टर्स हमें चालीस मार्क्स के लिए पढ़ना है हाँ तो सोचो ये छह चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे एंड इस छह चैप्टर्स में जो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में मीटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकली भी आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखता है इसीलिए इंपॉर्टेंट है कितना है जैसे अगर आप पूछे मैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको को दे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पार्ट बी को दीजिए पार्ट बी आपके लिए भगवान है पार्ट बी को हम प्रायोरिटी ए देते हैं उसके बाद हम प्रायोरिटी बी देते हैं पार्ट बी को एंड सी प्रायोरिटी सी देते हैं हम पार्ट थ्री को तो ये है आपका एबीसी एनालिसिस बट इसका मतलब ये है क्या कि मैम पार्ट सी पढ़ना ही नहीं है नहीं पढ़ेंगे पूरा और मैं आप लोग को शॉर्ट एंड कंसाइज तरीके में अच्छे से पूरे करा दूंगी जिससे कि आपका प्रॉपर ज्यादा टाइम लिए बिना भी आपका कोर्स बहुत अच्छी तरीके से हो जाए हर चीज को समझ समझ के पढ़ेंगे तो ये है आपका पार्ट बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जब पार्ट बी पढ़ेंगे तो अलग से ही सीरियस हो जाना बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना ये आपका कोर्स है ठीक है चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंपनीज एक्ट सो ये नोट्स मैंने आप सभी को व्हाट्सएप कर दिए थे तो आई एम अज्यूमिंग कि जो नोट्स मैं पढ़ाने वाली हूं ये नोट्स आप सभी के पास अवेलेबल होंगे मैंने पीडीएफ सबको सेंड कर दिया था तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले चैप्टर वन स्टार्ट करने से पहले मैं ही आपसे पूछना चाहती हूँ हर चीज का कुछ एक हिस्ट्री होता है कि आपसे अगर मैं पूछूं कि कोरोना वायरस कहां से आया था तो आप तुरंत चिल्ला चिल्ला के बोलते मैम चाइना से आया था चाइना से आया था अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनीज एक्ट कहां से आया था तो क्या आप बता पाएंगे कि कंपनीज एक्ट कहां से आया था मैम सीएसईटी में पढ़े हैं कहां से आया था कंपनीज एक्ट ठीक है मी टेल यू जैसे कोरोना वायरस चाइना से आया था वैसे ही हमारा जो कंपनीज एक्ट है, वो आया था इंग्लैंड से कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड का जो कंपनी लॉ था वहां से इंस्पिरेशन लेकर के उनको देख करके उस इंग्लैंड के एक्ट से इंस्पिरेशन लेकर के हमारा इंडिया का आया इंडियन कंपनीज एक्ट अब अगर हम डिटेल में देखें कि हमारा हिस्ट्री क्या है कंपनीज एक्ट का तो सबसे पहले आई थी रॉयल चार्टर ने एक ईस्ट इंडिया स्टैब्लिश की थी किसके होते थे जब ब्रिटिश रूल चलता था इंडिया में तब रॉयल चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की थी इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए ताकि वो इंडिया में फ्रीली ट्रेड कर पाए तो ये एक बेसिक लॉ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फर्स्ट टाइम हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट आया था 1850 में तो 1850 1850 वाज द फर्स्ट कंपनीज एक्ट इन इंडिया द फर्स्ट कंपनीज एक्ट इन इंडिया वाज कम हैज कम इन 1850 एंड इट प्रोवाइड लॉ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी अब कंपनी बनाएंगे कैसे तो उसका लॉ आया 1850 में अब आप लोग ने सीएसएटी में पढ़ा है कि कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है लिमिटेड लायबिलिटी तो 1850 में कंपनी का लॉ तो आ गया था लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का कांसेप्ट नहीं आया था इसीलिए 1857 में फिर से एक नया एक्ट आया जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857 और उसमें लिमिटेड लायबिलिटी का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ और फिर उसके बाद आया 1866 में 1866 में सारे लॉस को कंसोलिडेट कर दिया गया उसके बाद आया 1882 1882 में भी कुछ थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स आए वन बेसिक फीचर वॉज उसने ये बोला कि मेंबर्स की लाइब्रिटी तो लिमिटेड रहेगी लेकिन डायरेक्टर्स की लाइब्रिटी अनलिमिटेड हो सकती है अगर वो लोग कोई गलत काम किए अगर एमओ में लिखा है तो एमओ क्या होता है ये हम बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो 1882 आया 1882 के बाद आया 1913 और 1913 में फर्स्ट टाइम बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आए जैसे आपने प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा है प्राइवेट कंपनी का लॉ फर्स्ट टाइम आया 1913 में एनजीओ का कंसेप्ट कंपनी इज नॉट फॉर प्रॉफिट जो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते हैं चैरिटी करते हैं एनजीओ का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम आया नाइनटीन में मीटिंग्स का कंसेप्ट एजीएम का स्टैट्यूटरी मीटिंग्स का मीटिंग्स का कंसेप्ट आया फर्स्ट टाइम नाइनटीन में

और आपको मैं बता दूं इंडिया में जब कोई कानून आता है ना जब कोई लॉ आता है तो वो ऐसे चुटकियों में नहीं आ जाता है उसके पीछे सालों की रिसर्च होती है प्रॉपर कमिटी बिठाई जाती है होते हैं इसीलिए कंपनीज एक्ट 1956 लाने के पहले एक बिठाई गई थी और उस कमेटी के चेयरमैन थे श्री एच सी भाभा और उन्हीं के नाम पे उस कमेटी का नाम दिया गया भाभा कमेटी तो भाभा कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया हमारा कंपनीज एक्ट 1956 अब ये डेट आप देखेंगे बहुत इजी सी है कि कंपनीज एक्ट 1956 लागू किस दिन से हुआ था मतलब कंपनीज एक्ट 1956 एंड फोर्स किस दिन से हुआ था कंपनीज एक्ट 1956 केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट अप्रैल 1956 एकदम इजी डेट अप्रैल फुल वाला दिन ठीक है अब कमनीज एक्ट बहुत लेंदी और ही था 1956 वाला, सा हो गया था, 1956 वाला फिर लिबरलाइजेशन के बाद एंड हमारा आई आर कमनीज एक्ट टू थाउजेंड एंड थर्टीन जो कि एट प्रेजेंट हमारा चल रहा है तो आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आई ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं ये आ, इसको मैं बाद में बताऊंगी जो ऊपर का हम छोड़े हैं धीरे धीरे करके सब कवर करेंगे देखिए अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि 1956 तो आ गया लेकिन 1956 बहुत ही पुराना हो गया था और 1990 में जब लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ तो चेंजिंग को देखते हुए लॉ को भी चेंज करना बहुत जरूरी है पुराने लॉ के हिसाब से आधा हम जमाने के हिसाब से हम लॉ नहीं रखते लॉ को भी हमें Changing scenario के साथ चेंज करना पड़ता है इसीलिए हमारा हमने एक कमेटी बिठाई, जिसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर जे जे के नाम नाम पे हमारी हमारी का पड़ा और के रिकमेंडेशन पर आया हमारा लेजेंडरी कंपनीज एक्ट 2013, जो आज की डेट पे चल रहा है आज की डेट पे फोर्स में है ठीक है सो नाउ कमिंग टू एक्ट आया कहां से आपको पता है कोई भी एक्ट पास करने के लिए पहले बिल बनता है और वो बिल जब पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास हो जाता है लोकसभा में पास होता है फिर राज्यसभा में पास होता है और जब लोकसभा राज्यसभा दोनों की अप्रूवल मिल जाती है फिर फाइनली जब प्रेसिडेंट अप्रूवल देता है तो उसके बाद वो बिल बन जाता है एक्ट ये बात तो आपको पता होगी 8, 9, 10th में हिस्ट्री सिविक्स में पढ़े होंगे होंगे कुछ नहीं बिल इज अ प्राइमरी ड्राफ्ट और जब वो लोकसभा तो वो बिल बन जाता है सेंट्रल लेवल की बात करूँ तो सिमिलरली तो बहुत सारे बिल्स आए रिजेक्ट हुए फिर हमारा आया कंपनीज बिल 2012 जो कि लोकसभा में पास हुआ था 18 दिसंबर 2012 और राज्यसभा में पास हुआ था 8 अगस्त तेरा। और फिर फाइनली हमारे ने अपना अप्रूवल दिया उसको 29th August 2013 को थ ऑग टू थाउजेंड थर्टीन क्योंकि इस दिन हमारे प्रेसिडेंट ने कंपनीज बिल को अप्रूवल दिया था और इस दिन हमारा बिल बन गया था फाइनली कंपनीज एक्ट दो हजार तेरह लेकिन मैडम एक मिनट प्रेसिडेंट ने अप्रूवल तो 29 को दी थी लेकिन वो लागू कब से हुआ था वो नोटिफाई कब से हुआ था तो कंपनीज एक्ट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हुआ था 30 अगस्त 2013 उसके एक दिन बाद इतनी बात समझ में आई ठीक है मैडम इतनी बात तो समझ में आ गई अब मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं कि जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें बहुत एकदम यू टर्न आया और पहले 2013 के आने के पहले गवर्नमेंट अप्रूवल रिजाइन हुआ करता था मतलब गवर्नमेंट ना बहुत स्ट्रिक्ट थी कि कुछ भी काम करना है गवर्नमेंट के अप्रूवल लो कुछ भी काम करना है गवर्नमेंट के अप्रूवल लो लेकिन अब जो है ना उतना गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है हर चीज में हमें गवर्नमेंट के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ता है अब जो रिजाइम आ गया है वो हो गया है शेयर होल्डर्स अप्रूवल एंड डिस्कलोजर मतलब अपना नॉर्मली शोल्डर का अप्रूवल ले लो बस गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कर दो अप्रूवल नहीं लेना है बस डिस्क्लोज कर दो तो काफी लिबरलाइज हुआ है काफी इजी हुआ है एंड कंपनीज एक्ट बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर्स को डेवलपमेंट को कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत प्रमोट किया है तो ये एक छोटी सी बात थी हिस्ट्री के बारे में कि भैया कंपनीज एक्ट दो आया कहां से हिस्ट्री क्या थी ठीक है अब आप लोग पूछेंगे मैम कंपनीज एक्ट तो 2013 में आया था सोचो ना कितना टाइम हो गया 2013 को 10 साल हो जाएंगे दस साल होने वाले हैं अब आप लोग बोलेंगे क्या इस दस साल में हमने कोई चेंजेस नहीं किया क्या लॉ में बिल्कुल किए हैं क्या कोई लॉ में जब भी हम कोई करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं तो अगर मैं कि कंपनीज एक्ट 2013 कितने बार अमेंड हुआ है मतलब कितने बार चेंज हुआ है तो आप क्या बोलेंगे ये बात आपने सी एस में भी पढ़ी होगी कि कंपनीज एक्ट कितने बार चेंज हुआ है ठीक है अंकुश मैम ये कमिटी पार्लियामेंट बनाती है नहीं नहीं गवर्नमेंट बनाती है तो आपका फर्स्ट टाइम अमेंड हुआ था 2015 में तब आया था कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 उसके बाद आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 उसके बाद आया दो एंड रिसेंटली हमारा आया था पिछले साल जो कि दो में

वो सारे चेंजेस आपको नहीं पढ़ने हैं आपके जून एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और अगर आप मेरे से क्लासेस लेते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है मैं प्रॉपर बेयर एक्ट से रेफर करके आप लोग को पढ़ाती हूँ तो जो भी अमेंडमेंट वगैरह आते हैं हम पूरा हर चीज अपडेटेड पढ़ेंगे प्रॉपर हर चीज अपडेटेड पढ़ेंगे हमारे जून वाले पेपर के हिसाब से ठीक है ओके okay. तो ये बात समझ में आई चार बार अमेंडमेंट आया है लेकिन मैम क्या कंपनीज एक्ट बस चार बार ही अमेंड हुआ है नहीं कंपनीज एक्ट और अमेंड हुआ है 2016 में एक कोड आया था जिस कोड का नाम है इनसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड 2016 अब ये क्या होता है मैम देखो आईबीसी के बारे में ना डिटेल में आप लोग प्रोफेशनल में पढ़ेंगे प्रोफेशनल में बहुत डिटेल में है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड जब कोई कंपनी फाइनेंशियली वीक हो जाती है लॉसेस में चल जाती है डूब जाती है बंद होने वाली रहती है तो उसको बोलते हैं सिक कंपनीज तो पहले सिक कंपनीज को लेकर के कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस थे जैसे कि सेक्शन 256 टू 269, सेक्शन 289 और ये सारे सेक्शन बट क्या हुआ 2016 में वो सारे सेक्शंस को हटा दिया गया डिलीट कर दिया गया और एक सेपरेट लॉ बन गया इन सेल्फ इन सोलवेंसी एंड बैंक कोड ठीक है जिससे अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है ना तो उसको पहले रिवाइव करने का ट्राई किया जाता है और उसके लिए हम रेफर करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 तो मैम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के आने की वजह से कुछ सेक्शंस जो कंपनीज एक्ट के थे वो डिलीट हो गए जैसे कि ये सारे सेक्शंस 253 2269 289 304 से लेकर 223 235 325 ये सारे सेक्शंस डिलीट हो गए और एक सेपरेट लॉ आ गया जैसे याद है अपन ने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे सीएसईटी में तो वहां मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि पहले पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा दिया गया और सेपरेट कानून बना दिया गया पार्टनरशिप एक्ट इन्हें सिमिलर वे पहले सिख कंपनी से रिलेटेड प्रोविजन कंपनीज एक्ट में ही थे लेकिन बाद में उनके लिए एक अलग से एक्ट बना दिया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड और कंपनीज एक्ट के वो सारे सेक्शन डिलीट कर दिए गए अब इतनी बात तो समझ में आ गई मैम एक बात और एक बात और ये कंपनीज एक्ट में एक और बार कब चेंज आया था एक और चेंज आया था कंपनीज एक्ट में एक्ट 2017 के आने की वजह से जब फाइनेंस एक्ट 2017 आया था तो उससे हमारे एक सेक्शन में चेंज हुआ था विच इज सेक्शन 182।

तो योर आंसर इस चार बार तो अमेंडमेंट आए हैं 2015 में 17 में 19 में और 2020 में उसके अलावा दो बार और कंपनी चेंजेस आए हैं एक एंड कोड के आने की वजह से कुछ सेक्शन कंपनी डिलीट हो गए हैं और फाइनेंस एक्ट दो के आने से भी एक सेक्शन में चेंजेस आया है इतनी बात समझ में आई मूव फॉरवर्ड ओके ओके वी कैन मूव फॉरवर्ड अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाली हूं और वो ये बात बताने वाली हूं कि हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसमें कितने सेक्शंस हैं तो हमारा जो कंपनीज एक्ट आया था उसमें कितने सेक्शंस थे 470 सेक्शंस बट एज ऑफ नाउ कुछ सेक्शंस डिलीट हो चुके हैं कुछ नए सेक्शंस आ चुके हैं जब कंपनीज एक्ट आया था तब उसमें 470 सेक्शंस थे एंड दिस फोर सेवेंटी सेक्शन आर कवर्ड इन थर्टी चैप्टर्स कैसे मैम कैसे समझ में नहीं आया तो चलो मैं आपको दिखाती हूं हमारी ई e बुक ओके, दिस इज आवर ई बुक दिस इज आवर बेयर एक्ट देखो ये मिनिस्ट्री की हमारी वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हमारी क्या है बेयर एक्ट है ठीक है अब देखो मैं आपको दिखाती हूं ये दिख रहा है कुछ चैप्टर वन लिखा हुआ दिख रहा है चैप्टर वन प्रीलिमिनरी चैप्टर टू इन कॉर्पोरेशन चैप्टर थ्री प्रोस्पेक्ट एंड अलॉटमेंट चैप्टर थ्री का पार्ट टू भी है फिर चैप्टर फोर शेयर कैपिटल चैप्टर डिपॉजिट तो ऐसे ही हमारा जो पूरा कंपनीज एक्ट है है ना वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड तो ओवरऑल देर आर कितने चैप्टर्स देर आर हाउ मेनी चैप्टर्स इन कंपनीज एक्ट पहले 29 हुआ करते थे बट रिसेंटली एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हो गया है जिसका नाम है प्रोड्यूसर कंपनी दिख रहा है मैं आपको दिखाऊं ये ये दिख रहा है प्रोड्यूसर कंपनी चैप्टर नंबर ट्वेंटी बीच में घुसा दिया गया बीच में इंसर्ट कर दिया गया और इसीलिए एज ऑफ नाउ आर टोटल चैप्टर्स इन कंपनीज एक्ट 2013 और आपको ये बात तो पता ही है जब हमें किसी दो सेक्शन के बीच में या दो चैप्टर के बीच में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करना रहता है तो हम ऐसे एबीसीडी करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे पहले चैप्टर 21 था वाइंडिंग अप उसके बाद चैप्टर ट्वेंटी टू था इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया अब हमें चैप्टर वन और चैप्टर टू के बीच में ही एक और नया चैप्टर डालना था तो हमने उस चैप्टर का नाम डाल दिया चैप्टर ट्वेंटी वन ए

लिखा हुआ है यार आंसर आपके सामने सात शेड्यूल है शेड्यूल क्या होता है देखो जब हमें में कोई डिटेल प्रोवाइड करनी रहती है तो वो हम डिटेल सेक्शन में नहीं देकर के अलग से एक लिस्ट बना देते हैं और उसको उसको स्टेपल कर कर देते उसको कर देते हैं हैं अटैच काइंड ऑफ तो वो जो एक अलग से लिस्ट रहती है जिसमें एडिशनल डिटेल्स होती हैं, उसको बोलते हैं शेड्यूल ठीक है तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि कमनीजैक में देर आर टोटल फोर सेवेंटी सेक्शन थर्टी चैप्टवन शेड्यूल गुड ग्रेट बट अभी तो आंसर आपके सामने था ना किसी दिन अचानक से पूछूंगी बताओ कितने सेक्शन है बताओ कितने चैप्टर है तब बताना ठीक है ओके okay. अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं जो आपको पूरे आगे की कंपनी लॉ के क्लास में हेल्प करेंगे और वो इंपॉर्टेंट बात मैडम ये है बता दो मैडम क्या इंपॉर्टेंट बात है बताते हैं हैं एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेते ओके okay. वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे हमारा कंपनीज एक्ट भी हैं रूल्स भी हैं नोटिफिकेशंस भी होते हैं सर्कुलर्स भी होते हैं इतना सारा चीज तो अब आपको एक्ट तो पता है मैम एक्ट क्या होता है लेकिन ये सब क्या होता है ये सब क्या होता है रूल क्या होता है नोटिफिकेशन क्या होता है सर्कुलर क्या होता है कैसे समझोगे इसको तो देखो मैं आपको बताने वाली हूं हमारा कंपनीज एक्ट जो है वो स्केलेटन अप्रोच के ऊपर बेस्ड है डू यू मीन स्केलेटन स्केलेटन अप्रोच अप्रोच मतलब हमारा जो कंपनीज एक्ट टू है वो सिर्फ एक ढांचा प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि एक्ट ऐसा होना चाहिए अब उसके अंदर की कंप्लीट डिटेल्स कंप्लीट प्रोसीजर एक्ट में नहीं बताते हैं एक्ट में लिख देते हैं अब आपको हम बता दिए हैं ऐसा ऐसा main provision है, पूरी बात कहां लिखी हुई होगी पूरी बात लिखी हुई होगी रूल्स में जो डिटेल्स होंगी वो कहां लिखी होंगी रूल्स में तो हमारे लिए एक्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट के रूल्स एक्ट सिर्फ एक ढांचा प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है लेकिन उसके अंदर की प्रॉपर डिटेल्स सारी डिटेल्स होती है रूल्स में अब आप लोग पूछोगे मैम ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों है कि एक्ट में पूरी बात नहीं लिखी है आधी बात देखने के लिए हमें रूल्स में जाना पड़ता है क्योंकि क्योंकि एक्ट जो होता है वो बनाता है पार्लियामेंट रूल्स जो है वो बनाता है हमारा मिनिस्ट्री और हमारी जो कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री है दैट इज एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अब ये मत बोलना कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के बारे में नहीं पता है अगर हम कंपनीज एक्ट के लेजिस्लेशन की बात करें कंपनीज लेजिस्लेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के बारे में बात करें तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा है कि तीन तरह की बॉडीज होती हैं एक होती है लेजिस्लेटिव दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव तीसरी होती है जुडिशियरी एक होती है लेजिस्लेटिव दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव तीसरी होती है जुडिशियरी लेजिस्लेटिव लॉ बनाने का काम करती है एडमिनिस्ट्रेटिव उस लॉ को एनफोर्स करने का काम करती है और जुडिशियरी डिस्प्यूट सॉल्व करती है और लॉ को इंटरप्रेट करती है ठीक है ये बात तो आपको पता है आपको मैं बताऊं लेजिस्लेटिव में क्या आ जाएंगी सेंट, जो लॉ बनाती है सेंटर लेवल पे हमारी पार्लियामेंट पार्लियामेंट में आती है मेन लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी और स्टेट में क्या हो जाएगी हमारी स्टेट लेजिस्लेचर ठीक है अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है इसको एक मिनट के लिए होल्ड पे रखते हैं अभी मैं बताऊंगी और अगर हम जुडिशियल अथॉरिटी की बात करें मतलब डिस्प्यूट सॉल्व कौन करता है तो नॉर्मल केसेस में आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं हाई कोर्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट होते हैं बट एक बात बताओ सिविल केस और क्रिमिनल केस के लिए हम डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे समझ में आता है अगर कोई कंपनी का मैटर हो गया मान के चलो कि इन्फोसिस और टीसीएस के बीच में झगड़ा हो गया दोनों ने एक दूसरे के बीच में केस फाइल करना है कंपनी कंपनी के मैटर रिलेटेड तो क्या लोग डायरेक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे नहीं भैया कंपनीज एक्ट के के मैटर्स को सॉल्व करने लिए एक अलग से बॉडी बना दी गई और उसका नाम है रिलेटेड टू कंपनी लॉ और अदर कॉर्पोरेट लॉज अब आप, आपको मैं एक बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करना हो तो आप कहां जाएंगे उससे ऊपर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करना होगा तो कहां जाएंगे उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सिमिलरली अगर आपको एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करना है तो आप कहां जाएंगे एनसीएलटी से एक ऊपर वाली अथॉरिटी में और वो एनसीएलटी के ऊपर वाली अथॉरिटी होती है एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल इति बात समझ में आई ठीक है मैडम तो इससे आपको यह बात समझ में आता है कि कॉर्पोरेट मैटर्स को लेकर के कंपनी लॉ के मैटर्स को लेकर के आप जिस अथॉरिटी को केस फाइल करते हो ना वो होती है हमारी एनसीएलटी एनसीएलटी और भी मैटर्स और भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स संभालती है एनसीएलटी एनसीएलटी ठीक है तो ये बात हुई हमारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि देखो यानी कि सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट हमारा लॉ बनाती है, लेकिन पार्लियामेंट में लॉ बनाने का प्रोसेस बहुत लेंदी होता है लोकसभा में पास करो राज्यसभा में पास करो फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा तो महीनों लग जाते हैं कई बार तो सालों लग जाते हैं तो एक्ट को चेंज करना एक्ट नया नया एक्ट लाना बहुत लंबा प्रोसेस होता है बहुत दिक्कतों के बाद बहुत सीरीज ऑफ इसके पार्लियामेंट सेशन के बाद हमारा जो है एक फाइनली एक्ट एक्ट बनता है है तो एक्ट में चेंज लाना हंसी खेल वाली बात नहीं इसीलिए हम क्या करते हैं सारी डिटेल्स एक्ट में एक्ट में नहीं प्रोवाइड करते हैं हम एक्ट में सिर्फ एक आउटर डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं और बाकी डिटेल्स आउटर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देते हैं एक्ट में और जो कंप्लीट डिटेल्स होती है वो हम देते हैं रूल्स में क्यों क्योंकि रूल्स जो है ना वो पार्लियामेंट नहीं बनाती है रूल्स पार्लियामेंट नहीं बनाती है रूल्स बनाती है हमारी मिनिस्ट्रीज

डेवलपमेंट हो रहा है लॉ भी उसके साथ चेंज साथ होता है इसीलिए हमारा कंपनीटन अप्रोच के ऊपर जिसमें हमें एक्ट भी पढ़ना पड़ता है और रूल्स भी पढ़ना पड़ता है रूल्स जो है वो हमारी मिनिस्ट्री लेके आती है और एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास होता है और अगर आप नोटिफिकेशन सर्कुलर की बात करें तो देखो टाइम टू टाइम ना बहुत सारे क्लैरिफिकेशन लगते हैं जैसे कंपनीज कई बार कंफ्यूज हो जाती है कि इस मैटर में हम कैसा करें उस मैटर में कैसा करें तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ना बहुत सारे नोटिफिकेशन और सर्कुलर इशू करती है जैसे फॉर एग्जाम्पल जब फॉर एग्जाम्पल जब मार्च अप्रैल में कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था जब मार्च अप्रैल में कोविड का सेकंड वेव चल रहा था तब गवर्नमेंट चाह रही थी कि लोग हॉस्पिटल बनाए लोग ऑक्सीजन फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट हो पाए उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या लाया तब एक नोटिफिकेशन लाया कि अगर कोई अगर कोई कंपनी हॉस्पिटल टेम्पररी हॉस्पिटल बनाती है या ऑक्सीजन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो उसको हम ये माना जाएगा कि कंपनी ने सीएसआर किया सी एस आर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें समाज सेवा के लिए कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया कि अभी जरूरत है देश को आपकी अगर आप हॉस्पिटल बनवाते हैं ऑक्सीजन वगैरह में खर्चा करते हैं तो उसको वैलिड सीएसआर माना जाएगा ये मान लिया जाएगा कि अच्छा आपका सीएसआर का खर्चा हो गया तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बहुत सारे नोटिफिकेशन रहती है तो अगर मैं आपसे कि act कौन बनाता है, तो act पास होता है तो होता पार्लियामेंट में बट अगर मैं आपसे कि rules, circulars कौन लाता है, तो ये लाती है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी विच इज एमसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर आई होप इज क्रिस्टल क्लियर आई होप इज क्रिस्टल क्लियर विद चलिए आगे बढ़े

658 सेक्शंस हुआ करते थे जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे इतने सारे सोचो ना 600-700 सेक्शंस तो इसीलिए दो एक्ट 2013 में स्केलेटन अप्रोच आया जिसमें नंबर ऑफ सेक्शंस को रिड्यूस कर दिया गया बस 470 तक ला दिए इसको और डिटेल्स जो है वो बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बताएगी रूल बना के बताएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ऑबियसली सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं मैं जब भी मैं जब भी पूरे एक्ट में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूं इट मींस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में हर टॉपिक के लिए हर मैटर के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री होती है जैसे दर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दर इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट वैसे ही कॉर्पोरेट अफेयर्स को लेकर के जो सेंट्रल अथॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो है एम

वेन एवर अ सेक्शन ऑफ द कमीज एक्ट यूज द वर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब इसको हाईलाइट करो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अच्छा हाईलाइटिंग से याद आया से याद आया मैंने वैसे तो अपना जो सी पास वाला सेशन हुआ था उसमें आप सभी को पहले बोल के रखा था कि एक अलग से कंपनी लॉ की कॉपी बना लो जिसमें आप डेली डेली के नोट्स नोट्स बनाएंगे नोट्स बनाएंगे शॉर्ट नहीं बनाए हो तो कल की क्लास से पहले बना ही लेना और मेरे को फोटो भेजना मैम देखो हमने कंपनी लॉ की कॉपी बना ली है ठीक है एक कंपनी लॉ की कॉपी बना लो मेरे को आप लोग के पास प्रॉपर स्टेशनरी चाहिए कम से कम तीन चार कलर का पेन कम से कम तीन चार कलर के हाइलाइटर मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ना सिखाऊंगी कि थ्योरी पढ़ते कैसे

इन कॉर्पोरेशन के लिए इन कॉर्पोरेशन क्या होता है कंपनी का जन्म इसको हम सेक्शन सेवन में मतलब को को तो डिटेल्स तो नहीं प्रिस्क्राइब है डिटेल्स नहीं बताई गई है अब वो फॉर्मेट क्या होगा उसके लिए हम बोल दिए यार रूल्स में जाके देख लो तो कहीं भी अगर like में ऐसा लिखा होगा इन फॉर्म एज may बी प्रिस्क्राइब इसका मतलब यह है कि फॉर्म नंबर क्या होगा वो यहां हम एक्ट में नहीं बता रहे हैं वो रूल में सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी तो रूल जाके देख लो समझ में आया जैसे एस बी आई बैंक में होता है ना कि अच्छा सर चेक भरना है कहां, ये, कहां समिट करना पड़ेगा? One, में जाओ तो बोलता है तो एक्ट बोलेगा नहीं नहीं यहाँ नहीं मिलेगा रूल्स में जाओ तो फिर आप रूल्स में जाएंगे तो अगर पूरे कंपनीज एक्ट में आपको कहीं भी एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा होगा ना इसका मतलब वो चीज कहा प्रिस्क्राइब है कहा दी हुई है रूल में दी हुई है और रूल कौन बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है यानी एमसीए मैं आपको रूल दिखाऊं जैसे ये हमारा बेयर एक्ट था ये हमारी एमसीए की वेबसाइट है ये हमारा बेयर एक्ट है ये देख लिया आपने ये पहले एक्ट है चैप्टर्स है क्या है अब मैं आपको रूल दिखाऊ रूल वाले में क्लिक किया, ये सारे खुल हर टॉपिक से रिलेटेड में इनकॉर्पोरेशन रूल प्रॉपर देर आर रूल हर टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग रूल देखो सी एस आर से रिलेटेड अलग रूल आर रूल्सआर पॉलिसी रूल हर टॉपिक से रिलेटेड रूल्स और ये रूल्स कौन बनाता है ये रूल्स हमारी बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक आई होप आप लोगों को एक ब्रॉड पिक्चर माइंड में आ गई है कि कंपनीज़ है क्या होता है कंपनी रूल्स क्या होते हैं एक्ट कौन बनाता है रूल्स कौन बनाता है और क्यों बनाते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिखा हुआ है, पर क्या हो रहा है लेजिस्लेचर ने अब अपनी पावर एग्जीक्यूटिव को दे दे रहा है लेजिस्लेटर कौन पार्लियामेंट पार्लियामेंट अपनी पावर किसको दे रहा है गवर्नमेंट को दे रहा है कि इस मैटर को आप संभालो इस मैटर को लेके आप रूल्स बनाओ और का सेक्शन 469 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप किसी भी मैटर से रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं अब ऑब्वियस है को कहीं ना कहीं तो पावर दिया होगा ना कि रूल्स बनाने का पावर उसके पास है तो सेक्शन नंबर 469 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया है कि आप जो है रूल्स बना सकते हैं आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर

सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीए और इसीलिए इसको बोला जाता है स्केलेटन अप्रोच स्केलेटन अप्रोच भी बोलते हैं और इसको डेलीगेटेड अप्रोच भी बोलते हैं आई होप इज क्रिस्टल क्लियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपनीज एक्ट कंपनी टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक द नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कंपनी लॉ को चलाता कौन है कंपनी लॉ को एनफोर्स कौन करता है तो देर इज प्रॉपर अथॉरिटी अब अगर मैं आपसे बोलू कि ये इंडिया का मैप है अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज इंडिया का मैप बहुत ज्यादा ही अच्छा बना है मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो इसको इग्नोर करे और ऐसा बोले कि हाँ मैम बहुत अच्छी ड्राइंग बनी है ठीक है मान के चलो ये इंडिया है तो अब इंडिया लेवल पे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हर मैटर से रिलेटेड सेपरेट मिनिस्ट्री होती है जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर की अलग मिनिस्ट्री है एम एस की अलग मिनिस्ट्री है वैसे ही कॉरपोरेट अफेयर्स के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जिसकी अभी प्रेजेंट मिनिस्टर है कौन आई होप आप सभी को पता होगा जिसकी अभी प्रेजेंट मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी निर्मला सीतारमन इज द प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकिन अब आपको मैं एक बात बताऊं एक कंट्री जो है वो अलग अलग रीजन में डिवाइड होती है तो जैसे हमारी ये पूरी की पूरी कंट्री है इंडिया ये अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है जैसे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट तो हमारी कंट्री अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्या निर्मला सीतारमन जी एक स्पेसिफिक रीजन के चलो मेरे को सिर्फ इस के बारे में स्पेसिफिक कोई डिसीजन लेना है तो निर्मला सीतारमन जी नहीं सोच पाएंगी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं सोच पाएंगे क्यों क्योंकि वो ओवरऑल कंपनी के ओवरऑल कंट्री के परस्पेक्टिव से सोचते हैं इसीलिए इसीलिए अलग अलग रीजनल लेवल पे भी देर आर प्रॉपर अथॉरिटीज़ जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि पूरे स्कूल में स्कूल को मैनेज करने के लिए एक स्कूल कैप्टन होता है लेकिन क्या एक स्कूल कैप्टन अलग अलग हाउसेज को भी प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा नहीं तो वैसे ही मान के चलो स्कूल चार हाउसेज में डिवाइडेड है येलो ग्रीन रेड और ब्लू तो अब हर हाउस के लिए अलग से हाउस कैप्टन भी होता है उस हाउस को मैनेज करने के लिए और फर्दर एक स्कूल में बहुत सारी क्लासेस होती है क्लास 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 तो एक स्कूल कैप्टन हर क्लासेस को स्पेसिफिकली मैनेज नहीं कर पाएगा तो हमारी गवर्नमेंट का तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन सी है वो तो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लेकिन दैट इज नॉट इनफ अब हमारी पूरी कंट्री डिवाइड हो जाती है अलग अलग रीजन में और हर रीजन के लिए प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसका नाम है रीजनल डायरेक्टर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आर डी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आर डी रीजनल डायरेक्टर ठीक है तो आर डी हर रीजन का सेपरेट होता है जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं ये

और साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नहीं है और हर रीजन का प्रॉपर आर डी है तो नॉर्थ का रीजनल डायरेक्टर है न्यू दिल्ली में अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्थ ईस्ट का कहां है तो मैम नॉर्थ ईस्ट का रीजनल डायरेक्टर पहले शिलोंग में हुआ करता था बहुत सारे लोग आपको शिलोंग पढ़ाएंगे बट दे आर नॉट अपडेटेड वाई बिकॉज शिलोंग में हुआ करता था अब वो शिलोंग से चेंज होकर गुवाहाटी में हो गया है तो एट प्रेजेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का आर डी कहा है इट इज इन गुवाहाटी ठीक है तो ये हो गया उसके बाद ईस्टर्न रीजन का कहा है आरडी ईस्टर्न रीजन का आरडी है कोलकाता में उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का कहा है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का है हमारा अहमदाबाद में गुजरात उसके बाद वेस्टर्न रीजन का कहाँ है हमारी मुंबई अपनी मुंबई उसके बाद साउथ ईस्ट का कहा है इट इज इन हैदराबाद एंड का कहाँ है इट इज इन चेन्नई

बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं तो क्या अब ये रीजनल डायरेक्टर अलग-अलग स्टेट्स के लिए स्पेसिफिक लॉ बना पाएगा अलग-अलग स्टेट्स -अलग के लिए स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा स्पेसिफिक डिसीजंस ले पाएगा द आंसर इज नो तो इसीलिए स्टेट लेवल पे भी तो प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए ना एंड स्टेट लेवल पे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है उसका नाम है उसका नाम है वेरी गुड आकाश ने पहले ही आंसर दे दिया उसका नाम है आर

कि आंध्र प्रदेश जो है हमारा उसका आरोसी कहां है उसका आरोसी है विजयवाड़ा में बिहार का कहा है पटना में छत्तीसगढ़ का कहा है बिलासपुर में ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग आरोसी हैं लेकिन अगर मैं हमारी ईस्टर्न स्टेट्स की बात करूं तो हमारी जो है मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड आसाम ये सारी बहुत छोटी छोटी स्टेट्स हैं तो इन स्टेट्स के लिए अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी तो इसीलिए इन सारे स्टेट्स का मिलाकर के एक ही आर ओ सी है कहा पहले शिलोंग में हुआ करता था अब वो शिफ्ट हो गया है 2019 के बाद से गुवाहाटी में ठीक है अब ये बात आप समझ गए हैं कि हर स्टेट का एक आर होता है लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं वैसे तो सीएसईडी में आप पढ़े होंगे लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है सीएसईटी में तो सिर्फ दो स्टेट्स ऐसे हैं जहां एक से ज्यादा आरोसी है मी रिपीट अगेन सिर्फ दो स्टेट्स ऐसे हैं जहां एक से ज्यादा आरोसी है कौन कौन से मैडम बता दो पहला है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में दो आरोसी है वन इज इन मुंबई एंड अनदर इज इन पुणे क्लियर दूसरा कौन सा मैडम दूसरा है तमिलनाडु 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 भी में भी दो आरोसी हैं वन इज इन चेन्नई एंड अनदर इज इन कोयम्बतुरबतूर आई होप इज एवरीबडीज क्लियर सो लेट मी टेल यू नॉर्मली एक स्टेट का एक ही आरोसी होता है एक से ज्यादा आरोसी नहीं होता है लेकिन सिर्फ दो स्टेट्स ऐसे हैं जहां एक से ज्यादा आरोसी है वन इज महाराष्ट्र एंड अनदर इज तमिलनाडु पूरे सेंट्रल लेवल पे कौन होता है Quickly, उसके बाद अलग-अलग होते हैं। रीजनल लेवल पे कौन होता है रीजनल डायरेक्टर विच इज आर डी और उसके बाद एक रीजन में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं तो स्टेट लेवल पे कौन होता है आर ओ सी विच इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी शाली मूव फॉरवर्ड ठीक है ठीक है अंकुश पूछ रहे हैं मैम आरडी एक डिपार्टमेंट होता है कि प्रॉपर पर्सन होता है आरडी जो होता है ना वो प्रॉपर एक पर्सन होता है जैसे अगर मैं आपको हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट दिखाऊं, चलिए चलते हैं हमारी एमसी की वेबसाइट में मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लोए खुल गया ओके दिस इज आवर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट विच इज एमसी डॉट जी ओ वी डॉट इन अब यहां आपको मिनिस्ट्री के बारे में जानना है तो अबाउट एमसीए में जाओ देखो जैसे ही आप अबाउट एम सी ए में जाओगे यहाँ अबाउट एम सी ए का ऑप्शन है मैंने उसमें क्लिक किया तो यहां बहुत सारे ऑप्शन आ गए मुझे ऑफिस के बारे में जानना है तो मैं एम सी ए ऑफिस में क्लिक करूंगी ओके okay. अब एम सी ऑफिस में क्लिक कर लिया मैंने तो यहाँ मेरे को एम सी ए हमारी मिनिस्ट्री की डिटेल्स आ गई अब देखो यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है अलग अलग तो मैंने जैसे ही आरडी में क्लिक किया आरडी आ गए अलग अलग रीजन के अलग अलग रीजन के अब अगर मैं पूछूं आपसे ईस्टर्न रीजन का आरडी कौन है तो मैं जैसे ये ड्रॉप डाउन में क्लिक करूंगी यहां आ गया आपको ईस्टर्न रीजन का आरडी कौन है श्री डी बंदोपाध्याय क्या नाम है इनका ना बंदोपाध्याय हाँ सो ही इज अ पर्सन ही इज द आरडी ऑफ ईस्टर्न रीजन और प्रॉपर इसका ऑफिस होता है देखो पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी आपको कि ये आर डी है इसका फोन नंबर कहाँ है ईमेल आई डी कहाँ है एड्रेस कहाँ है सो so, ऐसा होता है दिस इज अ प्रॉपर पर्सन जैसे ये आरडी कौन है मिस्टर श्री ए, श्री डी बंदोपाध्याय जो भी नाम है इनका अगर मैं आपसे पूछूं कि सदन रीजन के आ, कौन है तो सदन रीजन में जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ नाम आ गया डॉक्टर के तिरुमलाई मुथु जो भी नाम है पता नहीं ठीक है तो ऐसा टाइप का होता है प्रॉपर रीजनल अथॉरिटी अच्छा चलो अब और आगे जाते हैं मैं आपको आर दिखाती हूँ जैसे मैंने आर में क्लिक किया ठीक है जैसे मैंने यहाँ आर में क्लिक किया ये हमारी ऑफिशियल एमसीए की वेबसाइट है ओके ये खुल गया एमसीए आर खुल गया देखो इतनी सारी आर है ऑल ओवर इंडिया एज ऑफ नाउ इतनी सारी आर हैं अब अगर आप अलग अलग स्टेट की आर की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो जैसे आप तेलंगाना में क्लिक किए तो तेलंगाना का आर ओसी है हैदराबाद में और इसका अथॉरिटी कौन है श्री जोश जो भी नाम है इनका ठीक है तो ऐसा है उसके बाद जैसे आंध्र प्रदेश में मैंने क्लिक किया तो जैसे ही मैंने आंध्र प्रदेश में क्लिक किया आंध्र प्रदेश का आर सिका है विजयवाड़ा में और इसके अथॉरिटी कौन है श्री संजय यादव ठीक है तो ऐसा होता है देर इज प्रॉपर अथॉरिटी आप जाना आप खुद से जाना आप आज आप लोगों के लिए होमवर्क है होमवर्क क्या है एमसीए की वेबसाइट में जाना टाइप करना गूगल में एम सी ए डॉट जीओवी डॉट इन और इसका पूरा पोस्टमार्टम करना देखना कहाँ क्या है समझ समझना अबाउट एमसीए देखना एक्ट एंड रूल्स में जाना यहाँ आपको प्रॉपर ई बुक मिल जाएंगी कंपनीज एक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी एलएलपी एक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है तो ये पूरा एक बार देखना आपको जो भी कुछ समझ में आएगा इस इस, पूरी एमसीए की वेबसाइट को खेलना इस वेबसाइट के साथ ठीक है और जैसे जैसे हमारी क्लास चलेगी मैं आप लोग तो को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ हर चीज बताऊंगी ठीक है प्रैक्टिकली हर चीज को लिंक करके हमारी वेबसाइट्स में जाकर के हर चीज हम ऐसी प्रैक्टिकली मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकली हर चीज को प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक कर करके तो आई होप एवरीबडी विद दिस अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे इंपॉर्टेंट बात कंपनीज एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल है क्या एक इंडिविजुअल बंदा बिजनेस कर रहा है सोल प्रोपरेटरशिप फॉर्म में क्या उसको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा नहीं मैडम ऑब्वियसली नहीं तो सवाल ये उठता है कंपनीज एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल है और आपको एक बात पता है जब भी आप कोई कानून पढ़ते हैं जब भी आप कोई लॉ पढ़ते हैं तो हर कानून का सेक्शन वन होता है उसकी एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन वन बताता है कि ये एक्ट किसको किसको अप्लाई होगा किसको किसको इस एक्ट का पालन करना होगा इतनी बात समझ में आई और एक बात और आपको पता है कि हर एक्ट का सेक्शन टू होता है डेफिनेशन का सेक्शन में होते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन वन अब अगर सेक्शन वन की बात करें तो सेक्शन वन के अंदर चार सबसेक्शन है अब आप लोग बोलोगे मैम यह सबसे क्या होता है यह सबसेक्शन किस खेत की मूली है तो आपको मैं बता दे रही हूं जब एक सेक्शन के अंदर अलग अलग पॉइंट्स होते हैं ना तो उसको हम सबसेक्शन बोलते हैं ठीक है जैसे अगर मान के चलो मैंने यहां पॉइंट नंबर वन टू थ्री दे दिया अब मेरे को वन के अंदर भी अलग अलग पॉइंट्स देने हैं ठीक है तो मैं उसको सब फिर ऐसे सब सेक्शन वन टू थ्री करके बोलती हूँ सो दिस आर सेक्शन और सेक्शन के अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सब सेक्शन क्या ये याद करना जरूरी है हां सेक्शन तो याद करना जरूरी है सब सेक्शन मोस्टली काफी सारे याद करने जरूरी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ कुछ नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा अब वो कौन कौन से याद करने हैं कौन कौन से याद नहीं करने हैं वो जैसे जैसे हमारा फ्लो रहेगा क्लास में मैं आपको बताते जाऊंगी ठीक है आई होप इज एवरीबडीज सो सेक्शन वन जो है हमारा कंपनीज एक्ट का टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी और उसका सेक्शन वन सबसे पहले बताता है टाइटल कि टाइटल क्या होगा भैया आप इसको बोलेंगे क्या इस एक्ट का नाम क्या होगा और इस एक्ट का नाम है द कंपनीज एक्ट 2013 इस एक्ट का नाम सिर्फ Companies Act 2000 नहीं है द को पनीर में डाल के डाल डालके खा मत जाना. का पूरा नाम क्या है इस act का नाम है the Companies act 2013. तो अगर फाइनल में कभी भी आप नाम लिखे Companies act का, तो द को खा मत जाना सिर्फ कंपनीज एक्ट 2000 मत लिखना बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है टाइटल ऑफ द एक्ट इज एक्ट 2013 आई होप एक्सटेंट एक्सटेंट मतलब पूरे भारत में होगा कि कहीं कहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में नहीं होगा कि कहाँ नहीं होगा एक्सटेंट मतलब कितने जोग्राफिकल एरिया में हमारा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा तो अगेन द आंसर इज कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया होल ऑफ इंडिया मतलब सारा का सारा इंडिया कंप्लीट इंडिया ओके okay, तो अगर आप कोई भी कंपनी बना रहे हैं जो इंडिया में है भले वो जम्मू कश्मीर में है भले वो केरला में है चलिए अबाउट कमेंसमेंट कमेंसमेंट मतलब लागू कब से होगा कंपनीज एक्ट तो आपको पता है मैंने बता दिया था कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो नोटिफाई हुआ था ऑफिशियल गैजेट में कब 30 अगस्त 2013 को तीस अगस्त 2013 को और इसका जो कमेंट्समेंट वाला प्रोविजन है वहां ये लिखा हुआ है कि कंपनीज एक्ट का एज ऑफ नाउ हम सिर्फ सेक्शन 1 को एनफोर्स कर रहे हैं कहने का मतलब यह है कि जो सेक्शन 1 है एप्लीकेबिलिटी वाला वो तो 30 अगस्त 2013 से ही लागू हो गया था लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं इंटरेस्टिंग बात यह है कि 30 अगस्त 2013 को सिर्फ सेक्शन वन ही लागू हुआ था बाकी सारे जो फोर हंड्रेड एंड वो तीस अगस्त को लागू ही नहीं हुए थे वो धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कुछ प्रोविजंस को लागू करता गया धीरे धीरे करके तो क्या हुआ तीस अगस्त 2013 को जिस दिन नोटिफाई हुआ ना उस दिन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन वन लागू हुआ उसके बाद कुछ सेक्शंस 2013 में लागू हुए कुछ सेक्शंस 2014 में लागू हुए और कुछ प्रोविजंस 2016 में लागू हुए तो ऐसे धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके कंपनी को लाया गया और थोड़ा थोड़ा करके हमारे कंपनी दो 2013 को लागू करता गया लागू होता गया मतलब नोटिफाई होता गया और अगर आज की बात करें तो एज ऑफ नाउ ऑल दी कंपनीज एक्ट 2013 आर नोटिफाइड all रिपीट इट अगेन ऑल the sections of Companies Act 2013 इज नोटिफाइड ठीक है इतनी बात समझ में आई कमिन्समेंट का पॉइंट क्या बोलता है का पॉइंट ये बोलता है कि 30 अगस्त को ना सिर्फ सेक्शन वन लागू हुआ था बाकी सारे सेक्शन ना धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने लागू किए हैं अब वो कौन कौन सी डेट को लागू किए हैं ये आपको नहीं पढ़ना है कितनी बात समझ में आई आगे।, आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेशन कंपनीज एक्ट कौन कौन से बिज़नेसेस को एप्लीकेबल होगा कंपनीज एक्ट कौन कौन से बिज़नेसेस को किन किन लोगों को एप्लीकेबल होगा सब सेक्शन फोर और सेक्शन वन टॉक्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेशन और एक जवाब तो सभी को पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट है नाम से ही समझ में आ रहा है किसको एप्लीकेबल होगा कंपनीज को इजी

कंपनी लॉ के अंदर बनी है या तो कंपनीज एक्ट 2013, या तो पुराने कंपनी लॉ पुराना कंपनी लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट पुराने लॉ के अंदर बनी है मतलब कंपनी हर वो कंपनी जो हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हुई है हर वो कंपनी जो हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हुई है उन सारी कंपनीज को कंपनीज एक्ट का पालन करना पड़ा, पड़ेगा मतलब फर्स्ट पॉइंट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा कंपनीज एक्ट, ही बात है ऑल दोज कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट उसके ऊपर तो एप्लीकेबल होगा ही होगा

अगर मैं आपसे इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो इंश्योरेंस कंपनी को, को लेकर के एक प्रॉपर कानून है और उस कानून का नाम है इंश्योरेंस एक्ट 1938 और एक और एक्ट है उस एक्ट का नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट आई जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आई आर डी ए तो आपको मैं एक बात बताना चाहती हूं जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है ना रजिस्टर नहीं होती इसका मतलब यह है कि वो लोग पॉइंट नंबर वन में कवर नहीं होंगे पॉइंट नंबर वन में सिर्फ ऐसी companies covered होती जो कंपनी लॉ के अंदर बनी हुई है जो कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है

अब एक बात मैं बताऊं एक बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है और वो बात लिखी हुई है, so मतलब है, मतलब है? में समझ में नहीं आता था क्यों क्योंकि सीएसईडी में टीचर्स उतना डिटेल में पढ़ाते नहीं थे अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से सुनना देखो कई बार क्या होता है अब अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके ऊपर तो इंश्योरेंस एक्ट भी अप्लाई होगा और कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होगा अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके ऊपर इंश्योरेंस एक्ट भी अप्लाई होगा और कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होगा बट जरूरी थोड़ी है कि हर बार दोनों सेम बात करें हो सकता है कई बार दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए कहने का मतलब यह है कि इंश्योरेंस एक्ट कुछ और बोल बोल रहा रहा है है और और कंपनीज एक्ट कुछ तो बेचारी इंश्योरेंस कंपनी तो घबरा जाएगी मैं मैं किसकी बात किसका पालन करूं इंश्योरेंस एक्ट का पालन करूं कि कंपनीज एक्ट का पालन करूं क्यों क्योंकि दोनों में इनकंसिस्टेंसी हो गई दोनों में कंट्रावेंशन हो गया ये एक्ट कुछ और बोल रहा है इंश्योरेंस एक्ट कुछ और बोल रहा है तो इंश्योरेंस तो कंपनी तो पूछेगी हम किसकी बात सुने इस कानून की बात सुने कि इस कानून की बात सुने तो लॉ बोलता है इस केस में में अगर दोनों झगड़ा हो जाता है ना अगर दोनों में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनीज बोलता है कि आपको साल में चार बोर्ड मीटिंग करनी है और अगर आपको इंश्योरेंस एक्ट बोलता है कि नहीं नहीं साल में कम से कम छह बोर्ड मीटिंग करनी है तो आप किसकी बात सुनोगे आप सुनोगे इंश्योरेंस एक्ट की क्यों क्योंकि आप 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 जो आपका है ना उसमें आप एक इंटरप्रिटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे पढ़ेंगे जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि हमेशा जब कोई लॉ स्पेसिफिक होता है और कोई लॉ जनरल होता है तो ऑलवेज स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल ओवर जनरल लॉ स्पेसिफिक लॉ मतलब पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड वो स्पेसिफिक एक्ट है अब एक बात बताओ कंपनीज एक्ट तो एक जनरल एक्ट है लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एकदम स्पेसिफिक एक्ट कौन सा है इंश्योरेंस एक्ट तो इसीलिए अगर कभी इंश्योरेंस एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में झगड़ा हो जाता है ना उस केस में हमें कंपनीज एक्ट कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है इंश्योरेंस एक्ट विल प्रिवेल उस केस में हम किसको कंप्लाई करेंगे उस केस में हम कंप्लाई करेंगे इंश्योरेंस एक्ट को उस केस में वी डोंट नीड टू कंप्लाई कंपनीज एक्ट तो 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 इसका मतलब समझ में आया कि जनरली 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 कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज बट 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 अगर कभी दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी आ गई ना अगर कभी कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट या आईआरडी एक्ट के बीच में झगड़ा हो गया ना इनकंसिस्टेंसी आ गई ना तब कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तब हमें किसको कंप्लाई करना पड़ेगा हमारे इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीएक्ट को आई होप इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस आकाश पूछ रहे मैम कंपनी एक्ट में आते हैं बिल्कुल आते हैं आपको पता है अगर आपको कोई एनजीओ के लिए कंपनी बनानी है ना तो उसके लिए भी आपको कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करना पड़ता है तो इवन एनजीओ इन दिस पॉइंट नंबर वन बिकॉज इट इज सॉरी इट इज अ कंपनी ओके आई होप एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर अच्छा फटफट से बताओ मजा आ रहा है क्या मजा आ रहा है क्या जोश कैसा लग रहा है काफी सारी नई बातें आपको सीखने को मिले, मिली होगी बिकॉज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बेसिक वाला चैप्टर है तो हम बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे दस मिनट में आप लोग की क्लास एंड कर दूंगी नहीं तो आप लोग रोने लग जाओगे मैम डेढ़ घंटा हो गया बख्श दो हम लोग को ठीक है धीरे धीरे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डेढ़ घंटे की क्लास रखेंगे बट हाँ धीरे धीरे जैसे आप हैबिचुअल हो जाएंगे हम उसको दो घंटे में एक्सटेंड कर देंगे बाद में ठीक है ओके लेट मी नो क्विकली आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं हाउ इज द फ्लो हाउ इ जोश हाउ जोश, आकाश इज सिंह क्रिस्टल क्लियर मैम ज्योति सिंह अंकुश सिंह यस मैम बाकी सब रिकी सिंह मैम क्रिस्टल क्लियर ओके ठीक है अभी तो यूट्यूब में ना आप लोग बोल नहीं पा रहे बट जब अपन गूगल मीट में जाएंगे ना तो प्रॉपर टू वे इंटरेक्शन होगा ना तब ज्यादा मजा आएगा ठीक है ऐप में भी मैं ले सकती हूँ लेकिन ऐप में मेरा मन नहीं है वाई बिकॉज ऐप में दे विल बी वन वे इंटरेक्शन आप लोगों को अगेन चैट बॉक्स में अपने डाउट्स एंड ऑल पूछने पड़ेंगे सो so इसलिए आई एम प्रेफरिंग गूगल मीट और दैट Zoom मीटिंग आकाश बोल रहे हैं। मैं मालूम ही नहीं पड़ा कि टाइम कब पार हो गया आपको पता है डेढ़ घंटे होने वाले आप लोग की क्लास को ठीक है चलो ओके बकवास हो गई आगे बढ़ते हैं हम पढ़ रहे थे सेक्शन वन का सब सेक्शन फोर विच टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन तो हमने पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट किसको किसको एप्लीकेबल होता है सबसे पहले तो ऐसी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर बनी है इस एक्ट मतलब कंपनी लॉ के अंदर बनी है दूसरा इंश्योरेंस कंपनी लेकिन अगर कभी इंश्योरेंस एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में इनकंसिस्टेंसी आ गई ना उस केस में कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा आगे बढ़ते हैं बैंकिंग कंपनीज बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है मान के चलो कोई बैंक है एच डी बैंक

जितनी भी बैंकिंग कंपनीज होती है वो रजिस्टर होती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बैंकिंग कंपनीज के लिए स्पेसिफिक कानून बना हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ठीक है तो वो रजिस्टर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर होती हैं, और उनके ऊपर एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट भी होता है तो अगर मैं कोई बैंकिंग कंपनी हूं आई एम एस डी एफ सी बैंक मेरे ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल होगा और मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा मेरे ऊपर दोनों एप्लीकेबल होगा लेकिन मैम एक बात बताओ अगर कभी दोनों एकदम नॉर्थ और साउथ बात करने लग जाए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और बोल रहा है कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी आ गई दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी आ गई तो अब हम किसकी सुने इसकी सुनूंगी तो ये बुरा मान जाएगा इसकी सुनूंगी तो ये बुरा मान जाएगा तो हम तो हम किसकी सुने चिंता नहीं करने का हम सोल्यूशन दे करके रखा है और हमने यहां बता रखा है एक्सेप्ट इन सो फार द आर इनकंसिस्टेंट विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसका मतलब यह है कि अगर कभी कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बीच में तरावट आ गई अगर दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी आ गई तो उस केस में वी हैव टू फॉलो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट

तीन पॉइंट हो गया हंसी मजाक में तीन पॉइंट हो गया और मैं हर चीज को समझा समझा के पढ़ा रही हूँ क्योंकि रटो मत रटना मत इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेंस ओवर बिल्कुल मत रटना समझ समझ के पढ़ो जिंदगी भर याद रहेगा और ऑब्वियस ही बात है कि कंपनीज एक्ट कंपनी योर ब्रेड एंड बटर फ्यूचर में आपको इनकम कौन प्रोवाइड करेगा आपकी कंपनी लॉ की अंडरस्टैंडिंग आपकी कंपनी लॉ की नॉलेज समझ के पढ़ो एग्जाम में भी हेल्प करेगा प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत हेल्प करेगा ही करेगा भले नॉर्मल आप रटेंगे तो दस मिनट लगेगा समझ के पढ़ने में एक बार में पंद्रह मिनट लगेगा हो सकता है पांच दस मिनट एक्स्ट्रा लगे लेकिन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर लाइफ टाइम फॉर लाइफ टाइम इसीलिए समझ समझ के पढ़ो रटने में कुछ नहीं रखा है ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा ये दोनों पॉइंट हो गया कमनीस uh, ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और सप्लाई करने का काम करती है ठीक है जैसे मैंने पर्सनली व्हेन आई वाज वर्किंग इन कोलकाता कोलकाता की एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी सीई आई हैव डन वहां का ऑडिट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था खैर ऑडिट का एक्सपीरियंस और ये सारा चीज का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को क्लासेस के साथ प्रॉपर हर चीज शेयर करूंगी अभी के लिए इतना समझो कि ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है इलेक्ट्रिसिटी बिजली कंपनीज़ जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसी कंपनीज़ के ऊपर भी कंपनीज़ एप्लीकेबल होगा अलग से क्यों लिखे मैम अलग से इसीलिए लिखे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट इसके लिए एक प्रॉपर स्पेसिफिक कानून बनाया गया है और उस कानून का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 सॉरी 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनती हैं, ऐसी कंपनीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और सप्लाई का, का काम करती हैं, तो उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है और उनको दोनों का पालन करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट को भी कंप्लाई करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को भी कंप्लाई करना पड़ेगा अंडरस्टूड वेरी इजिली ओके मूविंग फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड अब सेम बात वही सेम बात यहाँ भी लिखी हुई है एक्सेप्ट इन सो फार प्रोविजन आर इनकसिस्टेंट विद आई होप अब तो आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब और अब आप लोग खुद अपने आप में बता रहे होंगे अच्छा मैम इसका मतलब ये होता है खैर मैं फिर से बता देती हूँ मेरा काम है बताना इसका मतलब यह है कि अगर कभी कंपनीज एक्ट और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बीच में इनकसिस्टेंसी आ गई तो हम किसकी सुनेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है इन दैट केस हमारे ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अप्लाई होगा सो जनरली जनरल रूल इज दैट एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ऑल्सो बट 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 इफ कमीज एक्ट इज इन कंसिस्टेंस विद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट उस केस में बस अप्लाई नहीं होगा उस केस में आपको कमीज एक्ट कंप्लाई नहीं करने की जरूरत है आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कंप्लाई करेंगे व्हाई बिकॉज़ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इज अ स्पेसिफिक एक्ट एंड ऑलवेज स्पेसिफिक एक्ट प्रिवेल ओवर जनरल एक्ट आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी नेक्स्ट पॉइंट इज एनी अदर कंपनी व्हिच इज गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट कई बार ना कई

आकाशी सिंह एल आई सी एक नाइनटीन फिफ्टी सिक्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आपको पता है एल आई सी जब बनी थी ना तो एल आई सी को बनाने के लिए ना एक प्रॉपर कानून बनाया गया एक स्पेशल एक्ट बनाया गया एक स्पेशल एक्ट और उस स्पेशल का नाम है एक्ट का नाम है एल एक्ट और उस एल आई सी एक्ट के अंदर एल आई सी जो है वो बनी तो अगर कोई ऐसी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल एल आई सी वो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनती है

के बीच में इनकंसिस्टेंसी आ गई तो मैं किसकी सुनूंगी कंपनीज एक्ट की सुनूंगी या एलआईसी एक्ट की सुनूंगी तो अगेन स्पेसिफिक एक्ट प्रिवेल ओवर जनरल एक्ट उस केस में मुझे कंपनीज एक्ट कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है उस केस में आई विल कंप्लाई विद एलआईसी एक्ट समझ में आया तो जनरली जनरली कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू एनी अदर कंपनी व्हिच इज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट बट एक्सेप्ट इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी अगर इनकंसिस्टेंसी in है तो उस केस में कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा वो स्पेशल वाला एक्ट अप्लाई होगा आई होप इज क्रिस्टल क्लियर अच्छा अगर किसी को लगे मैं फास्ट जा रही हूँ तो प्लीज डू लेट मी नो बिकॉज आई एम अज्यूमिंग ये एमट्यूब है तो आई एम अज्यूमिंग ये सबको समझ में आ रहा है अवंतिका सिंह मैम एक बार इंश्योरेंस और बैंकिंग फिर से एक्सप्लेन कर दो बैंकिंग और इंश्योरेंस बाकी सबको भी नहीं समझ में आया क्या अवंतिका आप मुझे व्हाट्सअप करना मैं आपको अलग से समझा दूंगी बिकॉज यहाँ बाकी सबको समझ में आ गया है ओके मैं आपको वॉइस नोट बना करके अलग से समझा दूंगी अवंतिका ओके ठीक है आ, आ, अरे की पूछे मैम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई को भी कंप्लाई करना पड़ता है क्या नहीं बेटा अब बैंकिंग रेगुलेशन एक बाकी सारी बैंक्स के लिए होता है आरबीआई के लिए सेपरेट कानून होता है ठीक है सो तो बेसिकली आरबीआई इज रेगुलेटेड सेंट्रली ऐसी बात है तो इसी के साथ हमारा आ, कंप्लीट होता है पांच चीजें वन इज एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे हैं हम कि कंपनीज एक्ट 2013 किसको किसको एप्लीकेबल है सबसे पहला कंपनीज

इसके ऊपर भी अप्लाई होगा मतलब सेंट्रल सेंट्रल को पावर दे दिया है कि चाहे तो किसी भी दूसरी बॉडी एक्ट के अंदर बनी हो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा बोला तो अब इसका एग्जाम्पल बता दो मैम इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंपनी फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर की कंपनी है लेकिन इंडिया में भी आके बिजनेस कर रही है इंडिया के बाहर हुई है इंडियन कंपनी के अंदर रजिस्टर नहीं हुई है रजिस्टर्ड इंडिया के बाहर हुई है लेकिन कंपनी में भी आके बिजनेस कर रही है दैट इज नोन एज फॉर कंपनी तो एक फॉरेन कंपनी के ऊपर क्या कंपनी एक्ट अप्लाई होता है तो आप, आप बोलोगे हाँ होता है तो मैं बोलूंगी बताओ कौन से पॉइंट में कवर होगा क्या फर्स्ट पॉइंट में कवर होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ वो वाली कंपनीज कवर होंगी जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है लेकिन फॉरेन कंपनी तो फॉरेन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है इंश्योरेंस कंपनी में कवर होगा नहीं बैंकिंग में कवर होगा नहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी में कवर होगा नहीं तो फॉरेन कंपनी जो है वो लास्ट वाले पॉइंट में कवर होगा एक और एग्जाम्पल एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम सुने हो गवर्नमेंट ने एफ सी आई को भी बोला है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी जो है वो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा तो यहां पर क्या हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया कि आप चाहो तो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनीज एक्ट के दायरे के अंदर ला सकते हो आप चाहो तो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनीज एक्ट के दायरे के अंदर ला सकते हो उनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल करवा सकते हो अंकुश पूछ रहे हैं मैम यहां सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एमसीए बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एमसीए कभी भी अगर यहां सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चल रही है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है क्या होती है सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी वो अकेले होते हैं कि सेंट्रल तो क्या कर रहे हैं की बात कर रहे तो हैं नहीं ऑब्वियसली वी आर टॉक अब कॉर्पोरेट अफेयर तो वेवर आई सी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी लॉ इट मीन आई एम रेफरिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ठीक है राइट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स

और टाइटल क्या है हमारा द कंपनीज एक्ट 2013 उसके बाद एक्सटेंड इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया उसके बाद कमेंसमेंट मतलब एप्लीकेबिलिटी तो सेक्शन वन जो है वो तो तीस कब से जिस दिन ये हुआ था Uh, 30 अगस्त से ही एप्लीकेबल हो गया था 30 अगस्त 2013 से लेकिन बाकी सारे प्रोविजन धीरे धीरे करके एप्लीकेबल हुए हैं उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है सबसे पहले कंपनीज अंडर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ सेकेंड

Government. Example, Food Corporation of India, foreign company. With एग्जाम्पल फूड are ऑफ इंडिया section विद सेक्शन वन एप्लीकेबिलिटी ऑफ Act 2013. आज की क्लास खत्म करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहती हूं विच इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी अब एक कंपनी का मतलब क्या होता है अब देखो मान के चलो मेरे को बिजनेस करना है तो हमने बिजनेस चालू किया का तो कंपनी बन गई क्या मेरे को बताओ कंपनी कंपनी बन बन गई क्या क्या ऐसे ही अपने आप बन जाती है क्या? मैं चाहती हूँ कंपनी बना करके बिजनेस का कर मेरे को क्या मैं ऐसे ही बस मैंने एडूमेंशन चालू कर लिया पढ़ाना चालू कर लिया क्या एडूमेंशन कंपनी बन गई क्या द आंसर इज नो द आंसर इज नो देन वॉट डू यू मीन बाई कंपनी आपको पता है अब मान के चलो चार लोगों ने मिलकर डिसाइड किया ठीक है हम साथ में बिजनेस करेंगे आकाश अंकुष, आकाश अंकुश अंकुश और प्रेरणा ने बोला ठीक है हम लोग चारों बिजनेस बिजनेस करेंगे चलो कंपनी बना के करते हैं तो उन चारों ने पैसा लगाया लेकिन क्या कंपनी बन गई नहीं कंपनी बनने के लिए आपको किसी ना किसी कानून के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और According to Companies Act 2013, 2013 मतलब ऐसी और अब एक बात बात बताओ, अगर मैं ITC की बात करूं, ITC सबने सुना होगा नाम आईटीसी हमारी इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी आईटीसी कब बनी थी पता है आईटीसी बनी थी 1910 में आपको पता है आईटीसी कब से है आज कल से नहीं बनी है 19,010 से चल रही है तो एक बात बताओ 19,010 में क्या कंपनीज एक्ट 2013 आया था नहीं उस समय तो कंपनीज एक्ट 1882 वाला एक्ट चल रहा था

प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 या फिर पुराना कंपनी लॉ जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 कंपनीज एक्ट 1913 आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस कंपनी क्या होती है अब आपको पता है एक बात कि कंपनीज एक्ट में जितनी भी डेफिनेशंस दी हुई हैं डेफिनेशन इट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 2 ऑल दी डेफिनेशंस आर गिवन इन सेक्शन नंबर 2 अब आपको मैं एक बात बताऊं पता नहीं किसने बताया होगा कि नहीं अभी तक जितनी भी डेफिनेशन होती है ना सारी एल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है एल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्या मतलब है? जैसे स्कूल में आपके रोल नंबर होता था ना जिसका नाम ए से चालू होता था उसका रोल नंबर पहले आता था जिसका नाम जेड से चालू होता था फॉर एग्जांपल जैबरा तो उसका नाम लास्ट में आता था ऐसा जैसे अंकुश का नाम ए से चालू हो रहा है तो उसका नाम पहले आएगा आकाश का नाम उससे भी पहले आएगा क्योंकि ए के बाद के आ रहा है तो वैसे ही जितने भी सेक्शन डेफिनेशन है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है मतलब अगर किसी का नाम ए से चालू हो रहा है तो फॉर एग्जाम्पल एसोसिएट कंपनी तो उसका पहले दिया रहेगा तो जैसे टू सबसेक्शन वन टू सेक्शन टू टू सबसेक्शन थ्री टू सबसेक्शन फोर सेक्शन टू में नंबरिंग करके सबसेक्शन फोर सबसेक्शन फाइव सबसे ऐसे करके डेफिनेशन दी हुई है और ये पूरी डेफिनेशन जो है एल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है मतलब लाइन से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ ऐसे करके डेफिनेशन जाती है तो सिमिलरली जो हमारा कंपनी की डेफिनेशन है देखो कंपनी क्या होता है तो कंपनी सी से चालू हो रहा है तो ये थोड़े देर के बाद आता है और ये आता है टू क्लॉज ट्वेंटी में ये आता है टू क्लॉस ट्वेंटी में कंपनी कहां defined है? अच्छा, section के बिल्कुल चिंता मत करो क्लासेस के साथ साथ मैं इतनी बार बैठ जाएंगे, जाएंगे. ठीक है तो अगर मैं पूछूं कंपनी कहां डिफाइंड है सेक्शन टू में तो डिफाइंड है लेकिन सेक्शन टू के कौन से सबसे टू सेक्शन ट्वेंटी में कंपनी तो डिफाइंड है अच्छा एक बात और मैं बता दू हर सेक्शन के जो अंदर सब सेक्शन होते हैं उनको हम सब सेक्शन बोलते हैं जैसे मान के चलो जैसे मान के चलो ये है मेरा सेक्शन वन थर्टी फाइव अब सेक्शन वन थर्टी फाइव के अंदर पांच नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव तो इसको हम बोलेंगे सेक्शन वन थर्टी फाइव सब सेक्शन वन सब सेक्शन टू सेक्शन थ्री सबसेक्शन फोर सबसे एक इंपॉर्टेंट बात की अगर अब इस फर्दर सबसेक्शन वन के अंदर दो पॉइंट रहेंगे ए और बी तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन सेक्शन के अंदर जो सब पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सेक्शंस और सबसेक्शन के अंदर जो सब पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लॉजेस मतलब सेक्शन के बाद आता है सब सब सेक्शन सेक्शन के बाद आता है क्लॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि सेक्शन 135 135 है 135 के वन पॉइंट फाइव है पॉइंट है, है और पॉइंट के अंदर अगेन पॉइंट पॉइंट ए और बी है तो इसको हम बोलेंगे सेक्शन 135 थर्टी फाइव सबसेक्शन वन क्लॉज ए क्लॉज बी ये मैं आपको पढ़ना सिखा रही हूं कि कंपनी आप पढ़ेंगे किस तरह से मेन पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं सेक्शन उसके अंदर वाले पॉइंट सब सेक्शन और उसके अंदर वाले पॉइंट क्लॉज उसके अंदर वाले पॉइंट इतनी बात समझ में आए। लेकिन अगर हम सेक्शन टू की बात करें ना लेकिन अगर हम सेक्शन टू की बात करें ना मैडम तो सेक्शन टू के अंदर बहुत सारे सब पॉइंट है जैसे वन टू थ्री इसमें हम कभी भी सब सेक्शन नहीं बोलते हैं इसमें हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं क्लॉज में तो इसको आप क्या रीड करेंगे इसको आप रीड करेंगे सेक्शन टू क्लॉज वन सेक्शन टू क्लॉज टू सेक्शन टू क्लॉज थ्री ऐसा तो कंपनी कहां डिफाइंड है कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी कंपनी कहां डिफाइंड है द वर्ड कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी ऑफ द कंपनीउजेंड एंड थर्टीन और कंपनी का मतलब क्या है सिंपली मतलब आप समझ गए मैम कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इंडिया के कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है या तो वो प्रेजेंट वाला लॉ है या तो वो प्रीवियस लॉ है ठीक है डेफिनेशन रटा गई होगी समझ में आ गई होगी पूरा डिटेल में कि कंपनी मतलब होता क्या है कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर तो यहां कंप्लीट होता है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन माइ इंट्रोडक्शन योर कोर्स का इंट्रोडक्शन योर सिलेबस का इंट्रोडक्शन एवरीथिंग ठीक है ये बात हो गई उसके बाद हमने पढ़ा कंपनीज एक्ट का हिस्ट्री पढ़ा कि कंपनीज एक्ट आया कहां से उसके बाद हमने पढ़ा हमारे पूरा स्ट्रक्चर एक्ट क्या होता है रूल्स क्या होता है हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा एमसीए क्या होता है आरडी क्या होता है आरओसी क्या होता है उसके बाद हमने कंपनी का मतलब समझा सो दिस वॉज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन डे आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाना चाह रही हूं ठीक है अगर रिविजन करते दौरान किसी को कोई डाउट आता है तो आप मेरे से व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन ओके एंड आई होप कल आप लोग आएंगे दोबारे से इतने ही मजे के साथ कंपनीज एक्ट पढ़ने के लिए एंड कल आने से पहले रिवाइज करके आएंगे बिना रिवाइज किए नहीं आना है बिना रिवाइज किए नहीं आना है कल की क्लास से पहले आज जो पढ़ा उसको आप रिवाइज करके आएंगे तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं ठीक है अः आ... अंकुश बोल रहे हैं मैम इतना बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा अच्छा अंकुश देखो तुम्हारी दिल की बात मैंने समझ ली मैंने क्लास एंड कर दी ठीक है आज के लिए इतना काफी है स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे क्यों क्योंकि कंपनी लॉ आपके लिए पूरा नया है सीएसई में आप इतना सा कंपनी लॉ पढ़ते हैं सीएसई में ना कुछ कमी लॉ का सी भी नहीं है तो कंपनीज एक्ट इज वेरी वास्ट और आपको मैं एक बात बता दूं एसबीसी और जीआईजीएल का आपका जो सिलेबस है कंपनीज एक्ट का सिलेबस उससे डबल है लाइक like अगर आपकी मॉड्यूल एस बी एस सी की चार सौ पांच सौ पन्ने की है कमनीज एक्ट की आपकी कंपनी लॉ की जो मॉड्यूल है वो हजार पेज की है तो कंपनीज एक्ट का सिलेबस इज जस्ट डबल ऑफ एस बी सी एंड जेआईएल का सिलेबस तो आपका जितने टाइम में एस बी सी जे आई जी एल कंप्लीट होगा उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा कंपनी पढ़ने में बिकॉज इसका सिलेबस बहुत वास्ट है राइट एंड एक दो चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट बोलना चाहती हूँ uh, कल रिवाइज करके आएंगे आज जो पढ़े दूसरा प्रॉपर कंपनी लॉ की कॉपी बनाएंगे और मेरे को प्रूफ सेंड करेंगे व्हाट्सएप में तीसरा कीप योर स्टेशनरी रेडी प्रॉपर आप बुक में मार्किंग वगैरह करेंगे अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए मतलब अगर किसी को सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो दैट इज ओके अगर किसी को नोट्स की हार्ड कॉपी चाहिए तो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दो बिकॉज Uh, उतने ही नंबर ऑफ कॉपीज आई विल गेट प्रिंटेड जितने लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए होगी तो जिन लोगों को हार्ड कॉपी चाहिए मुझे बता दो मैम मुझे हार्ड कॉपी चाहिए मेरे एड्रेस पे प्रॉपर बुक तो मुझे पहले से WhatsApp में इन्फॉर्म कर देना जिसको जिसको हार्ड कॉपी चाहिए इट विल बी अवेलेबल इफ यू विल डिमांड ठीक है तो हार्ड कॉपी बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी मुझे बता देना बस जिसको जिसको भी हार्ड कॉपी चाहिए ऐसा रहेगा एंड आई वुड से कि लॉ uh, 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 के लिए प्रॉपर uh, आप लोग डेली का डेली रिवीजन करेंगे एंड सिंसियर होकर पढ़ेंगे और प्रॉपर हर चीज को समझ करके जो भी डाउट्स होता है बिल्कुल बिंदास में से पूछिए आई विल क्लियर योर सिली से सिली डाउट और अच्छे से अच्छा डाउट भी एवरी डाउट ठीक है आकाश पूछ रहा है फीस कितनी है फीस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सबको आकाश मुझे व्हाट्सअप में टेक्स्ट कर लेना किसी को फीस वगैरह की जानकारी चाहिए या कोर्स के बारे में और कोई जानकारी चाहिए मुझे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते है ठीक है एंड इफ़ यू गेट रजिस्टर्ड बिफोर थर्टी थ नवम्बर देन यू विल गेट टेन परसेंट ऑफ आल्सो बाकी फीस का उतना कोई इशू नहीं है आई एम आई एम इंजॉइंग टीचिंग यू ऑल राइट सो मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोग मेरी क्लास लेते हैं देन आई 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 कैन कैन यू 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 विल विल नेवर नेवर फेल फेल इन इन कंपनी कंपनी लॉ लॉ ठीक है डे टिल द डे ऑफ एग्जाम आप लोग को मेरा सपोर्ट रहेगा एंड हर चीज को हम कवर करते हुए बहुत ही आराम से बहुत ही एकदम कंफर्टेबिलिटी के साथ पढ़ेंगे अगर किसी को कोर्स को लेकर के कोई डाउट है प्रॉपर तो आप मुझे व्हाट्सएप करके कॉल करके पूछ सकते हैं ठीक है इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं कल दोबारा हम मिलेंगे छह बजे छह से कुछ साढ़े सात तक क्लास रहेगा आज वैसे पंद्रह मिनट एक्सटेंड हो गया बट आई होप आप लोगों को अच्छा लगा ठीक है तो कल फिर मिलेंगे छह बजे आज की क्लास यही एंड करते हैं टेक केयर एवरीबडी बाय बाय टेक केयर बाय बाय एवरीबडी